ओम शांति। आज बाबा के 10 अगस्त 2021 के साकार मथुर महावाक्य हैं। बाबा आज समझा रहे हैं सच्ची नंस कौन है। सच्ची नंस वो हैं जिनकी बुद्धि में केवल एक याद रहे। इस समय जब आप एक बाबा को याद करते हो तो आप सच्ची सच्ची नंस हो। वहाँ पर वो क्राइस्ट को भी याद करती हैं, गॉड को भी याद करती हैं, तो दो बुद्धि में हुए ना। यहाँ पर आप सिवाय शिव बाबा के और किसी को भी याद नहीं करती हो, इसलिए आपके लिए कहा जाता नन बट वन। सच्ची सच्ची नंस, सच्ची नंस के लिए बाबा ने याद दिलाया, एक तो मेरी याद में रहो, दूसरा पवित्र रहना है। बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सुख चैन है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है। बाबा सुख चैन की दो सौगातें लेकर आए हैं और कल्प कल्प बाबा ये दो सौगातें लेकर आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। लेकिन माया इन सौगातों को भी भुला देती है। ये भूल जाना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा 21 जन्मों के लिए सुखी बना देते हैं। वही ब्राह्मण बनेंगे जो कल्प पहले बने थे, निश्चय बुद्धि बने थे। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे योग अग्नि से आत्मा को पावन बनाना है। सारी ही दुनिया बेहद का टापू है, सारी दुनिया पर रावण राज्य है। मैं तुम्हें जमघटों की सजाओं से छुड़ाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे बाप, टीचर, सतगुरु, वकील और बैरिस्टर भी कहते हैं। बाबा जब आते हैं तो 5 विकारों से मुक्त होना सिखाते हैं। अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है, शुद्ध कामनाएं बाबा पूरी करते हैं। पवित्र बनने से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए पवित्र बनना है, योगी बनना है। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, बाबा धर्मराज भी हैं। अगर कोई छिपाते हैं तो अपना ही सत्यनाश करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, विकर्म करते रहते हैं, तो बाबा ने कहा वो ऊंच पद के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। कोई कोई बच्चे आते हैं, बाबा पूछते हैं कि जब विकार नहीं छोड़ते हो तो क्यों आते हो, तो वो कहते हैं बाबा अगर मैं आऊँगा ही नहीं तो मैं ठीक कैसे होऊँगा, नहीं तो मेरा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, सुधरूँगा कैसे। मैं तभी सुधर सकता हूँ जब यहाँ आता रहूँगा। बाबा ने कहा याद करके विकारों को त्याग करते जाओ। बाबा को याद करेंगे तो याद से ताकत मिलेगी पवित्र बनने की। कोई कोई बच्चों को खानपान की शुद्धि से परिवार में झगड़े होने लगते हैं, बाबा कहते बड़ी युक्ति से चलना है, ऐसे नहीं कि नौकरी आदि छोड़ दो, नहीं, वहाँ पर भी बहुत युक्ति से चलना होता है। बाबा आकर के ये सारी कहानी समझाते हैं। कहानी से कोई सदगति नहीं होती, ये वास्तव में सदगति का ज्ञान है। दुनिया में अनेक बातें कहानी के रूप में कही गई हैं। ज्ञानमृत पिलाया जाता था, असुर छिप कर बैठते थे। बाबा वास्तव में सत्य ज्ञान देते हैं, तो उसके लिए पवित्र बनना है। बाबा नॉलेजफुल है, बच्चों को भी नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कहते तुम्हें ये ज्ञान सबको देना है। आप सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। सच तो बिट्ठो नच, जो सच्चा होता है वो खुशी में नाचता है। उसके सामने बातें भी आ जाएं तो कभी घबराएगा नहीं, कोई अनुभव करेगा जैसे कि झूले को हिला रहे हैं, झूला और तेज हो रहा है। धन्यवाद दो उनको जो झूले को हिलाते हैं। आप हिलाओ, हम बाबा के साथ झूलेंगे। जो सर्व शक्तियों की लाइट साथ रखते हैं तो माया उनके समीप नहीं आ सकती। आज खुशी के झूले में झूलते रहना है, बाबा के संग रहना है, धन्यवाद देना है उनको जो हमारे लिए परीक्षा बनकर आते हैं। आप
हमें बाबा के साथ झूला झुलाने के लिए आए हो, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। वह कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं। बाबा आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं। क्वेश्चन है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस वो हैं जिनके बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वो अपने को भले नंस कहलाती हैं, उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनके बुद्धि में दो हैं। तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाबा का फरमान है पवित्र रहना है। सच्ची नंस के लिए फरमान है पवित्र रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। गीता, इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें अब देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता, भले कहते ब्रह्मा देवताए नमा, विष्णु देवताए नमा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब ये बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है, अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती, फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते फलाने की आत्मा आओ, भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते, पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिला के कहा जाता विकारी। जिसमें ये विकार नहीं उन्हें कहते हैं निर्विकारी। ये तो समझते हो, बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उसमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल, सब क्रिश्चियन हैं, ये भी कहा जाता देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊँच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना, ये आत्मा ने कहा बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन मिले शांति मिले, वो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं, सत्यों में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती। बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकता। समझते हो, बरोबर सत्यों में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अब तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, वो है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं पाप आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया, सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वो छोटे छोटे टापू होते, इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है।
इन बातों को मनुष्य नहीं समझते, वो तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता, उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है, ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही रक्षा करते हैं, मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सब बच्चों को वर्षा देते, वो बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाबा बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, वकील बैरिस्टर भी हैं, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सत्यों में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाबा सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती, रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो, शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वालों को ब्रह्मचारी कहा जाता, तुम्हें भी पवित्र रहना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप बनाते हैं। साधु संतादि तो विकार से पैदा होते, देवताओं के लिए ऐसा थोड़े ही कहेंगे, वहाँ विकार होते ही नहीं, वो है पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था, ये अब तुम समझते हो। सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ गिरते आए, अब तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सत्युग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का किसी को पता नहीं पड़ता, पाप करते रहते हैं। वहाँ तो पाप का नाम नहीं, तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बोधियों के पास बुद्ध का चित्र होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं, तुम भी नंस हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं, क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते, समझते वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाबा कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी जो हर एक के दिल को बैठ के मैं रीड करूं। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाके बैठते थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपा कर आए बैठते तो वह असुर हुए ना, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यनाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिपकर बैठ जाते, कहते हम विकार में थोड़े ही जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपना ही सत्यनाश करते। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन जाते। अगर बाबा के सामने कोई झूठ बोलते हैं, खुद को दंड के भागी बना लेते। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था जो विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था, आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूँगा? पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिरीन एक दिन तो सुधर जाऊँगा, नहीं आऊँगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और कोई रावण ही और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाबा समझाते, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं
उनको पतित से जैसे घृणा आती है, कहते बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाबा ने युक्ति भी बताई, खान पान की खिचपिट होती है, ऐसे तो नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है, कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे, ये तो कभी सुना नहीं, सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते तब पवित्र रह सकते, परंतु ये किसी को पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं। कोई भी सत्य को नहीं जानते, परम पिता परमात्मा स्वयं बैठ पढ़ाते हैं, नहीं मानते इसलिए विरोध करते। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, कोई शास्त्र दिखाओ, ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वो अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे, पतित तन में आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे, कहा था माँ मेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं, कहते माँ मेकम याद करो, श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे माँ मेकम याद करो, एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माँ मेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। माँ मेकम याद करो, इस योग अग्नि से पाप कट जाएंगे, इसलिए मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल पतित बन गए, मैं कल्प कल्प आकर तुम्हें समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, ज्ञान चिता पर बैठा कर तुम्हें मैं पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसी को चैन नहीं। बाबा कहते दोनों ज्ञान चिता पर बैठो, हर एक आत्मा को अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं इतनी रेस कर ना सके, ये तो पढ़ाई की बात है। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, वो तो है पतित विकारी मार्ग, पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उससे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ा ही मालूम पड़ेगा तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, ये छींची शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुम्हें अभी मालूम है, उनको ये तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे, तुमको भी बाद में वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी, अब तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये अब तुमने समझा, अब तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाबा फिर कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाकी डिटेल में समझने की बातें, बाबा नॉलेजफुल हैं तो तुम्हें भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे, बाबा की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे, ये आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वो जल्दी बनेंगे, ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें भी जो नंबर वन निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है, सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने, कोई भी भूल को छिपाकर
अपने आप को ठगना नहीं, धर्मराज बाप से सदा सच्चे रहना, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है, योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है, योग अग्नि से विकर्मों के खाते को, पापों के खाते को दग्ध करना है। आज का वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिट्ठो नच। सच की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से खुशी के झूले में झूलते हो। वे आपको नहीं हिलाते, झूले को हिलाते हैं। आपको नहीं हिलाते, आपके झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं, झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो, आप झुलाओ हम बाबा के साथ झूलें, आप झुलाओ हम बाबा के साथ झूलें। सरल शब्दों में, जो सत्य होता है वो हमेशा खुशी में नाचता है। ऐसी आत्माएं अथॉरिटी स्वरूप बन जाती हैं। अगर कोई विघ्न रूप भी बनता है तो बाबा कहते वो भी आपके झूले की गति को तेज करने के लिए आता है, आपको हिलाने के लिए नहीं। ऐसी आत्माएं कहती हैं आप हमें झुलाओ और हम बाबा के साथ झूलेंगे। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट साथ है तो माया समीप नहीं आ सकती। आज हम अनुभव करेंगे सच तो बिट्ठो नच। हम बाबा के साथ झूला झूलने वाली आत्माएं। और आज की यह एक नई वीडियो भी जरूर देखें, कोई मिस ना करें।